नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम भारद्वाज एंड वेलकम टू द पाइकोड चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं सबलाइम टेक्स्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारी वीडियो नंबर 5 है इन द लेक्चर सीरीज इंट्रोडक्शन टू पाइथन। हम सबलाइम टेक्स्ट इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं अभी क्योंकि आगे जाके आपको एक अच्छे टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ेगी, और सबलाइम टेक्स्ट से अच्छा और कौन सा एडिटर होगा। मैं पर्सनली भी सारे काम के लिए सबलाइम टेक्स्ट यूज करता हूँ और यही आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये फास्ट है और इजी टू यूज है। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। ये हो गया डाउनलोड। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, ये इंस्टॉल हो गया। अब खोलते हैं सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट, वाओ, देखो कितनी स्पीड से खुल गया। अब इसमें एक प्रोग्राम लिख देते हैं, प्रिंट हाय सबलाइम। ठीक है, सेव करते हैं। अब एक चीज याद रखना कि हमेशा अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है, तो एक फोल्डर बना दीजिए जिसमें आप न्यू फोल्डर जिसमें आप हमेशा अपने सारे प्रोजेक्ट सेव करके रखें ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए सर्च करने में। तो इसका भी नाम लिख देते हैं, हेलो सबलाइम एंड सेव कर दीजिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप सबलाइम को यहीं पे वो कर सकते हैं टास्क बार पे पिन, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपको पिन करनी है वो है पावर शेल। तो खोलिए पावर शेल, ठीक है। अब आप का पावर शेल का आइकन यहाँ पे आ गया, इसको भी आप कर दो पिन टू टास्क बार। ये दो चीज़ें आप अगली वाली वीडियोस में बहुत देखेंगे, तो इसलिए आप इसको इन दोनों चीज़ों को पिन कर दो, ठीक है। अब आप हो अपनी मेन वर्क स्पेस में। अब आपको नेविगेट करना है, नेविगेट के लिए आप करोगे CD डेस्कटॉप, ठीक है। अब डेस्कटॉप पे आपको याद होगा हमने एक प्रोजेक्ट्स फोल्डर बनाया था, तो CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। विंडोज में CD करने से आप दूसरी डायरेक्टरी में चले जाते हो। मान लो आपको पता नहीं आप कहाँ पे, तो आप ls टाइप कर सकते हो या फिर dir टाइप कर सकते हो। तो ls टाइप करने से ये सारे आपको पता लग जाते हैं इसमें फोल्डर्स है, ठीक है। तो आपको जाना है CD प्रोजेक्ट्स। ओके, अब यहाँ पे आपको रन करना है, तो सीधे आप टाइप कर सकते हो पाइथन, ठीक है। और इस फाइल को रन करना है हेलो सबलाइम डॉट पीवाई। बहुत ही सिंपल है रन करना। अब आप देख सकते हो इसमें प्रिंट हो गया हाय सबलाइम। तो ये था छोटा सा ट्यूटोरियल बस आपका सबलाइम सेटअप करने के लिए। तो आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स जैसे इफ एल्स के साथ कैसे डील करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।